खुशी की थी इस बात बकल क्यों ये तो मुझे नहीं पता। जितना मालूम है तुम तो बता सकती है ना मुझे। वो छुट्टियां थी स्कूल की, बेगम साहब आपको और आपकी बहन को लेकर ना आपने मैं के गई नहीं थी, और सारे मुलाजिम ना हवेली के उस जालिब थे। वो रीत की माँ सिर्फ इस क्वार्टर में अकेली थी। वो जो बाहर कमरा बंद है ना, और वहाँ एक बूढ़ा माली रहता था, फिर उस रात के बाद ना वो कभी नहीं नजर आया। मुझे याद है बाब, क्या नाम था उनका? नौशाद भाई। नौशाद बाबा, फिर क्या हुआ था? खुदकुशी से पहले ना मैंने उसकी चीखों की आवाजें सुनी, और आप तो जानती हैं मुझे हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। बाबा कहाँ थे उस वक्त? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। माफ करना बेटा, अल्लाह का वास्ता किसी से कुछ नहीं कहना बेटा। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता बेटा, मेरी इज्जत रख लेना किसी से। बुआ मेरी बात तो बुआ। खुशी से पहले चीखने की आवाज है। अगर बुआ ने नहीं बताया इसका मतलब है कि बाबा घर पर ही थे। तो मुझे लगने लगा है कि मेरी खोज मुरीद को सच्चा साबित कर रही है, पर अभी कोई फैसला नहीं करूंगी। लेकिन मुरीद को गलत भी नहीं समझूंगी जब तक इस राज से पूरी तरह पता नहीं हो जाता।